एंड दैट इज वाई इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने के इसके प्राइमरली कारण क्यों बढ़ जाते हैं नंबर वन बिकॉज इट हैज गॉटमेंडेड सब्सटैंशली नंबर टू पहली बार ये मे ट्वेंटी टू में एप्लीकेबल हो रहा है और नंबर थ्री मॉकटेस्ट पेपर फॉर मे ट्वेंटी टू में इसे नहीं पूछा गया आईसीआई के मॉकटेस्ट पेपर आर रियली मेकिंग दर नेम सार्थक मॉक्री ऑफ द एग्जाम्स पेपर का जो पैटर्न बनाया जाता है दूर दूर तक उससे मिलता जुलता पेपर हमको एग्जाम में देखने को नहीं मिलता इस बार तो पेपर वन देख के ऐसा लगा कि 101 का पेपर बना दिया गेट इन टू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या हमें डिस्कस करना होगा उससे पहले आपको आई जस्ट क्विकली शो दिस पर्टिकुलर वीडियो शेयर वे बैक इन

जिसमें हमने देखा था कि अमेंडमेंट के नाम पे एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसको इस सेशन में डिस्कस करेंगे शेड्यूल थ्री डिवीजन टू में कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऐड की गई है विच इज मोर सो रिलेटिंग टू योर कारो 2020 डिस्कशन हवेवर क्योंकि शेड्यूल थ्री का पूरा फॉर्मेट आपके स्टडी मटीरियल में चिपकाया हुआ है इसलिए आपको एक इस बार गो थ्रू करने की जरूरत है ब्रह्मास्त्रम शेयर कर चुके हैं बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज सिवियरली इंपॉर्टेंट देन यू हैव यंडेज अमेंडमेंट रूल्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब तो ट्वेंटी भी आ गए जो नवंबर 22 से लागू होंगे बट 2021 प्रैमरली हैड सर्टन अमेंडमेंट्स विच यू कुड क्लासिफाई इजीली इनटू थ्री पार्ट्स सबसे पहले एक जो कोविड में किसी लीज में कोई लीज़ टर्म में चेंजेस किए गए थे जिससे कि लीज़ टर्म में या लीज रेंट में इनफैक्ट आपको कोई कंसेशन दिया गया था और वो कंसेशन अगर जून 2021 तक का था

हालांकि ये एक कंपनीज एक्ट का अमेंडमेंट है जिसका एक कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट आप बेस्ट कह सकते हो कि आपकी अकाउंटिंग में हो सकता है अदरवाइज चैप्टर में पर से कोई अमेंडमेंट नहीं इसके अलावा स्टडी मटेरियल ने एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का आपका पूरा चैप्टर चेंज कर दिया बिकॉज दिस वाज अगेन इन लाइन विद द इंटरनेशनल चेंजेस टू दिस एंड इससे रिलेटेड हमारा नया ड्रोन चार्ट बन चुका है जो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आई गिव अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस एक्सप्लेनिंग दिस दिस इज प्योर थ्योरी यू विल हैव टू काइंड ऑफ इट अप But yes, I'll still give you a short video which will be available on the Fast app, which you can download from the Play Store integrated reporting stuff. So this is basically your uh, all your amendment, ये notes आप telegram के उससे download कर सकते हो या fast. edu. in वेबसाइट से भी download कर सकते हो। इसके अलावा Q&A update हुए थे, जिसके updates अपन ने FR power की हमारी sheet में जो भी extra questions आए थे plus एक supplementary notes मैंने कई महीने पहले share किए थे, उसके through cover किया जा चुका है। ऑल इन ऑल बोलने की बात यह है कि मे 2022 में आपको अमेंडमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें देखनी है तो वन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का चैप्टर चेंज हुआ है कंसेप्चुअल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का एक पूरा डिटेल नया चैप्टर आपका ऐड हुआ है दोनों मोस्टली थ्योरी नेचर के हैं जिसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कुछ इलस्ट्रेशन भी एडेड है डेट बाईस हुई है ये सबसे बड़ा सब्सटैंशियल चेंज है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आने के कारण आपके इंडिया में कई बार पुराने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का रेफरेंस दिया जाता था जो कि स्पेसिफिकली इंडिया के अंतर्गत नहीं बनाया गया था कुछ जगह वो रेफरेंस चेंज किए हैं कुछ जगह वो रेफरेंस चेंज नहीं किए हैं उस कारण से इंडेज अमेंडमेंट रूल्स 2021 में कहीं कहीं जगह जहां पे रेफरेंसेस चेंज किए थे वो दिया है पर उससे आपके इंडेज के अंडरस्टैंडिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है ये सब आपके लिए चाइनीज फील देगा इसलिए बेहतर है कि अब आप फ्रेमवर्क को समझ लीजिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंडेस क्या है ये चीज लेट्स गेट द बैकग्राउंड राइट एक बार दिमाग में आपके बैकग्राउंड सेट हो गया तो आप बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे चैप्टर को आसानी से समझ पाओगे अदरवाइज चांसेस ये हैं कि आप छोड़ देंगे सेल्फ आप प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ समय तक प्रिपेयर करते करते एक समय के बाद छोड़ दोगे बिकॉज ए इट इज गोइंग टू बी अ लॉट 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 मोनोटोनस फॉर यू मोनॉटोन आपको समझ नहीं आएगा इसका रेलिवेंस और पर्पस क्या है एट एंड ऑफ इट शायद आप इसके जो चार क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के वो मग अप करने की कोशिश करें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों क्योंकि ये वीडियो आपके काम का है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का बेसिक बैकग्राउंड ये होता है दोस्त की सबसे पहली चीज एक होता है प्रिपेयरर जो कंपनीज इंडेस फॉलो करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस बनाती है और एक होता है सेटर जो इंडेस फॉर्मुलेट करके सेट करके पब्लिश करता है विच इज इन आरके आईसीआई नंबर वन द फ्रेमवर्क विच वी आर डिस्कसिंग टूडे इज बेसिकली मेड फॉर द सेटर पीपल और आईसीआई स्टैंडर्ड्स एंड नॉट मैंडेटरी ऑन द प्रिपेयर दैट मीन द कमनी हुई प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल इसका मतलब एक चीज दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वह हमेशा इंडेस के अनुसार होगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आ जाने से आपके किसी भी इंडेस के अंतर्गत किसी भी चीज के आंसर में कोई फर्क नहीं होगा तो सर आई सी आई को फॉलो करना है तो फिर स्टूडेंट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है तो ये फ्रेमवर्क कहता है कि प्रिपेयरर्स यानी कि कंपनी जो इंडेस फॉलो कर रही है उनके लिए इसका रेलेवेंस उस सिचुएशन में आ सकता है जब किसी पर्टिकुलर मैटर की अकाउंटिंग के ऊपर इंडेस ही नहीं है एज इफ लेट्स से फॉर एक्जाम्पल इफ यू आर अ डीलर इन कमोडिटीज एंड यू फील दैट इंडेस टू इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट फॉर यू एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड भी रेलिवेंट नहीं है मे बी इन दैट केस Yeah, you have choice of policy as in FIFOR weighted average, and you want to make a selection with that choice. So, what principles should guide that selection? For those purposes, even a preparer can refer to the conceptual framework, but repeated and highlighted, emphasized that uh, finally the preparer has to comply with.

2018 में इस फ्रेमवर्क में कुछ मेजर चेंजेस किए और 2018 के आई के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर को यूज करते हुए हमने इंडिया में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा भी पब्लिश किया जिसे नाम दिया गया कंसेप्चुअल रिपोर्टिंग फॉर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंडेस ये फ्रेमवर्क का बैकग्राउंड है और इसमें इन टोटल आठ चैप्टर्स या आठ बातें की गई है विच यू कैन सी हियर

कि क्यों कोई चीज ओसीआई में जाती है और पीआरएल में नहीं और कैसे डिसाइड होता है क्या पीआरएल में जाएगा और क्या ओसीआई में क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि इक्विटी को फेयर वैल्यू क्यों नहीं किया जाता है जबकि हम असेट्स और लाइबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन करते हैं क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि इनिशियल रिकॉग्निशन किसी स्टैंडर्ड में कॉस्ट पे होता है किसी स्टैंडर्ड में कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होता है तो कहीं पर फेयर वैल्यू पे होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में तो अलग अलग नेचर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को कभी फेयर वैल्यू कभी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट और कभी सिंपली जो आपके एक्चुअल कॉस्ट ऑफ है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है ये सब चीजें जो स्टैंडर्ड में दी गई है इसके पीछे क्या लॉजिक है बेसिस क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिवैल्यू नहीं करने दिया जाता उसकी फेयर वैल्यू सिर्फ डिस्कलोज की जाती है लेकिन पीपी के केस में रिवैल्युएशन परमिट किया गया असेट्स में रिवैल्युएशन परमिट किया गया वहीं पे एग्रीकल्चर असेट्स को तो फेयर वैल्यू पर ही मेजर करने की बात की गई वहां पर भी एग्रीकल्चर असेट्स में हम फेयर वैल्यू लेते हैं या नेट फेयर वैल्यू और इन्वेंट्री के, के केस में हम फेयर वैल्यू की जगह सेलिंग प्राइस क्यों लेते हैं फेयर वैल्यू क्यों नहीं फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस में फर्क यह है कि हम एनआरवी लेते हैं इंडेस टू में विच इज एंटिटीज रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेटेड एज इन केस ऑफ फेयर वैल्यू वी टेक द मार्केट्स प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम यानी जब कोई स्टैंडर्ड बनाता है तो वो अपने दिमाग में कैसे डिसाइड करता है कि कहां पर मुझे किन चीजों को देना चाहिए यहां पे ओसीआई तो यहां परल या फेयर वैल्यू तो यहाँ रियलाइजेबल वैल्यू या नेट फेयर वैल्यू तो यहां फेयर वैल्यू यहां कॉस्ट बेसिस तो यहाँ रिवैल्युएशन बेसिस यहां पे दोनों ये सारे डिसीजन लेने में सपोर्ट मिले इसके लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया जाता है इसलिए कहते हैं कि एवरी पर्सन इवन द वंस हु आर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अवेयर अबाउट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सो दैट दे कैन बेटर कॉम्प्रीहेंड एज टू वाई स्टैंडर्ड इज मेड एंड वॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली आर बेस्ड ऑन बट वंस मोर आई रिपीट आई एम्फिसाइज आई हाईलाइट In fact आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं रखूंगा जहां पे फ्रेमवर्क कुछ बोलता है और स्टैंडर्ड उसके अगेंस्ट बात करता है और फिर भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार करनी होगी ऐसा एक इलस्ट्रेशन आई से मॉड्यूल में भी सो विध इस बैकग्राउंड लचे IASB issued the new framework in 18 and based on that we have issued this particular framework first time becoming applicable for me 2022 exams it is not a standard neither will it override the standard and it is made for these set of people these are the eight areas which are covered and let's start with the first area what is the first area it talks primarily about objectives of general purpose financial reporting plain vanilla case financial reporting ka uddeshya kya hota hai financial information provide karna jisse decision making may assistance mile users Go full stop the only purpose of preparing financial statement is to provide meaningful, relevant, faithful representation of financial information so that users can take decisions based on that. तो इसका मतलब डिसीजन सपोर्ट करने के लिए बना रहे हो तो फिर एक काम करिए आप इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी दो जिससे सारी डिसीजन मेकिंग सपोर्ट हो दैट मीन गिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आल्सो गिव नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आल्सो टॉक अबाउट द इंडस्ट्री ट्रेंड यानी आप ये मत बताओ कि इस साल के प्रॉफिट और पिछले साल के क्या है यह भी बताओ कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है तो ये हमारी लिमिटेशन है कि हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते यानी इन्फॉर्मेशन अगर आपको डिसीजन के लिए चाहिए तो ये एक बेस बनेगा यू हैव टू सीक अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो विच कैन बी इंफॉर्मेशन Through external sources and stuff like that. The objective of financial statement is not to show the value of the reporting entity. इसका मतलब क्या है वैल्यू ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी बताना हमारा उद्देश्य नहीं है दिस इज वन रीजन कि हम इक्विटी को कभी भी फेयर वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे वैल्यू नहीं करते है. हमारा उद्देश्य ये बताना है ही नहीं कि हमारी कंपनी की क्या वैल्यू है वो सिर्फ एक केस में पता पड़ता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो दूसरी कंपनी को फेयर वैल्यू पे मेजर करके उसको लाया जाता है ताकि हम गुडविल निकाल सके अदरवाइज हम कभी भी उद्देश्य ये रखते ही नहीं है कि हमारी कंपनी को हम फेयर वैल्यू पर मेजर करें या उसकी इक्विटी को फेयर वैल्यू पर प्रेजेंट करें प्रेजेंटेशन छोड़िए डिस्क्लोजर तक देने की जरूरत नहीं है तो ये भी क्लियर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उद्देश्य इज नॉट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एंटिटी और इट्स इक्विटी शेयर और वॉट प्राइस कैन यंटिटी रियलाइज इफ इट सेल्स द बिजनेस टूडे ईदर एज अ गोइंग कंसर्न और एज एन एंटिटी विच इज ब्रेकिंग अप ऑल इट्स अट्सन लाइबिलिटी एंड सेटलिंग इट ऑफ दैट इज नॉट दी ऑब्जेक्टिव

ये एसेट्स और लाइबिलिटीज है पता पड़ेगा कंपनी की लिक्विडिटी उसकी सॉल्वेंसी उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है मैनेजमेंट असेट्स को कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है क्या असेट्स को बढ़ा रहा है कम कर रहा है फ्यूचर कैश फ्लोस क्या हो सकते हैं कंपनी के करंट कैश फ्लोस क्या है ये उद्देश्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बताने का साथ ही साथ में वो सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो रिसोर्स और क्लेम्स पे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम लोग आमतौर पर कहते हैं इनकम और एक्सपेंस जिसको ये लोग अपनी भाषा में डिफाइन करते हैं ट्रांजेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी कुड बी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैश फ्लो एंड चेंजेस डू नॉट रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेंजेस बट आर ट्रांजेक्शन इवेंट लाइट मी क्लरिफाई दिस सबसे पहले ट्रांजेक्शन इवेंट ये कहते हैं तीन तरह के होंगे एक जिसमें कैश का इनफ्लोअ होगा हो दूसरा जिसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है फिर भी आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो अक्रूवल बेसिस पे ये दोनों आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं यानी आपके प्रॉफिट्स या लॉसेस पे इंपैक्ट डाल रहे हैं पर कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हो सकते हैं जिनसे आपके प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट ना हो पर वो ट्रांजैक्शन हो जैसे इश्यू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स स्टफ लाइक दैट तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देना उद्देश्य किसका जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का तो क्या क्या देना उद्देश्य जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का आई वुड से नंबर वन टू इन फैक्ट वी कैन से बैलेंस शीट पी एंडल फाइनेंशियल पोजिशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजिशन एज एन एंटिटीज रिसोर्सेज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स एंड इफ यू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस दैट मीनस बेसिकली इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स ऑन दर्फॉर्मेंस विच इज एंटिटीज चेंजेस or something in transactions or even that lead to changes in assets or liabilities, which is termed as economic resources or claims. It could be in the nature of cash flows. It could be in the nature of accrual and it could be due to certain transactions or even not impacting your performance, but still changing your assets liabilities. चलिए तो ये हमारा सबसे पहला चैप्टर बातों ही बातों में कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव क्या है जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक व्हाट आर द क्वालिटेटिव ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरह की सारी चीजें प्रिंसिपल के ऊपर चलती है दोस्तों तो अदर देन दिस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रनिंग ऑन एनी रूल्स दिस रन ऑन सर्टन प्रिंसिपल एंड वेन आई से प्रिंसिपल इट मीन इट प्रोवाइड यू द प्रिंसिपल दैट यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कीप टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन माइंड वन यू नीड टू गिव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड टू यू नीड टू हैव फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन तो पहला आपकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होना चाहिए रेलिवेंस कैसे आएगी तो देखो सीधी सी बात है आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के लोग प्रोडिक्शन करेंगे कंपनी आगे कैसे होगी तो आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो ध्यान रखना कि लोग उससे प्रोडिक्ट करेंगे चीजों को और साथ ही साथ में पिछले सालों की इंफॉर्मेशन से जो लोगों ने प्रोडिक्शंस किए होंगे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के वो देखेंगे कि उनके प्रोडिक्शन कितने कन्फर्म हो रहे हैं या नहीं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैज वैल्यू टू प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर एंड इट हैज कन्फर्मेटरी वैल्यू विच बेसिकली मीन दैट कन्फर्मेटरी वैल्यू विच असेंशियली मीन दैट दिस विल कंफर्म योर प्रीवियस प्रोडिक्शनिट ऑब्वियस सी बात है कि मोडिलिटी इज समथिंग विच इज केप्ट इन माइंड एंड दीज टू थिंग्स आर इंटरिलेटेड बिकॉज आज का प्रोडक्टिव कल का कन्फर्मेटरी वैल्यू होगा ये आपकी फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है तो यू हैव टू फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यूल मल्टीपल टाइम्स फाइंड दीज फ्रेज इन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क फर्स्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दो जिससे यूजर प्रॉपर प्रोडिक्शन कर सके और कंफर्म कर सके अपने पास प्रोडिक्शन को सेकेंड इंफॉर्मेशन फेथफुली प्रेजेंट होना चाहिए इज ट्रू एंड फेयर व्यू फेथफुल कब होगी जब इंफॉर्मेशन को आप रोकना दे ये कह के कि इतना दे दिया काफी है आप कंप्लीट दें हम जिसे ट्रू एंड फेयर व्यू में कई बार डिस्कस करते हैं आपने सिर्फ बता दिया पीपीए पर ये नहीं बताया गिरवी रखा हुआ है क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल फैक्ट है गलत बात है बताना चाहिए आपने बता दिया ये एसेट करंट है पर आपको लगता है कि वो लिक्विड नहीं है लाइक इन्वेंट्री विच इज नॉन मूविंग बट स्टिल करंट यू शुड डिस्कलोज इट समेय दैट मीन्स आपको अल्टीमेटली कब माना जाएगा कि आप फेथफुली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो इट इज कंप्लीट न्यूट्रल एंड एर फ्री तो गलतियां होना नहीं चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए बायस नहीं होना चाहिए तो यू शुड नॉट बी मेकिंग प्रोविजन ऑन आइटम्स डिपेंडिंग ऑन इस साल प्रॉफिट कितने हैं रादर यू शुड मेक प्रोविजन रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच मनी हैव यू मेड ड्यूरिंग द ईयर न्यूट्रल अनबायस्ड

कंपेरेटिविलिटी का मतलब कंसिटेंसी लाए आगे देखेंगे चेंजेस ओनली ओनलीफ रिक्वायर्ड किए जाए वेरीफाइबिलिटी दैट मीस यू वट एवर यूर प्रोवाइडिंग यू शुड है सम बेसिस फॉर गिविंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तो अगर आप रिवेलुएशन कर रहे हो अपनी पीपी का यू शुड हैव बेसिस फॉर द बेसिस ऑफ यू डूइंग रिवैल्युएशन और फेयर वैल्यू निकालने का टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे बिकॉज मेकिंग द इन्फॉर्मेशन मेकिंग अवेलेबल इन्फॉर्मेशन टू लेट विल रूज द रेलिवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑब्वियसली बात है कि ऐसी बेहतरीन शहतरीन टर्म टर्म्स यूज ना करो कि लोग ही पल्ले नहीं पड़े कि सिंपल है भैया लोग सेल sale को सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जानते हैं वैसे ही लिखिए परचेज को परचेज से जानते हैं आप वैसे ही लिखिए डू नॉट यूज सम एक्स्ट्रॉर्डनरी टर्म एक्विजिशंस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल ये क्या भैया परचेज अपना स्टाइल ऐसा ये ना करें अंडरस्टैंडेबल तो रेलिवेंस एंड फेथफुल प्लस इनहेंस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये इटरेटिव प्रोसेस है जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाएगी आगे वैसे वैसे ये बेहतर होते जाएगा ये आपका अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए अब इसी बात है कॉस्ट कंस्टेंट ऑलवेज समटाइम्स यू मै नॉट बी एबल टू प्रोवाइड वेरी वेरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन विच मींस असेंशियली ग्रेचुटी का हर साल मैं एक्चूरियल वैल्यूएशन नहीं कराऊंगा भले ही हो सकता है उससे मुझे और बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती बन दर इज अस कंस्टेंट विच वी हैच मीन असेंशियलीटिव कैरेक्टरिस्टिक्स टू fundamental principles which is relevance and faithful representation and three enhancing characteristics in fact four enhancing characteristics which is c t u v which is comparability completeness of information uh, sorry comparability of information and t u v which is basically your information should be verifiable it should be uniform as in it should have that consistency and understandability and it should be prepared on a timely basis चलिए नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट तो ये अपन ने सेकंड चैप्टर भी डिस्कस कर लिया छोटे छोटे टॉपिक्स है देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्टिंग एंटिटी का क्या मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी ये दो चैप्टर्स अभी अपन ने देखे इससे आपको क्या समझ में आया कि एक तो भैया हमें इन्फॉर्मेशन क्या देना है के बेसिस पे देना है और उद्देश्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या है थोड़ा सा अब आप चैप्टर का रेलिवेंस समझ पाओ इसके लिए मैं एक काम करता हूँ मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ इनफैक्ट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये डी का एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन डिस्कस होता है क्वेश्चन में कहा गया है कि नताशा ने ट्रेड रिसीवेबल को रिसीवे थर्टी फर्स्ट मार्च को कैरी कर रही थी अपनी बुक्स में उसी तारीख पर उसने फैक्टरिंग की समानता के साथ एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको उसने ट्रेड रिसीवेबल इन एक्सचेंज ऑफ इमीडिएट कैश पेमेंट फॉर 250 करोड़ फैक्टर आउट कर दिया ढाई करोड़ लेके एज पर अग्रीमेंट एनी शॉर्टफॉल बिटवीन अमाउंट कलेक्टेड एंड टू फिफ्टी नताशा इसका मतलब दिस फैक्टरिंग इज पैसे नहीं मिले तो मैं पैसे दूंगा तो इसका मतलब टेक्निकली रिस्क ट्रांसफर नहीं हुए वंस ट्रेड रिसबल हैबाउट टू फिफ्टी करोड़ लेस इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट विल बी रीपेड टू नताशा अच्छा नताशा ने टू फिफ्टी से ऊपर भी कलेक्ट कर लिए तो वो मुझे देगी बस ब्याज काट के देगी क्योंकि उसने मुझे टू फिफ्टी आज दिया और उसको बाद में मिले तो उसका ब्याज कटेगा डायरेक्टर्स ऑफ नताशा ओपिनियन दिसबल नताशा के डायरेक्टर स्टमेंट फॉर ईयर एंडिंग टू इसका मतलब इसके बेसिस पे आपको लगेगा कि क्वेश्चनिट इज ट्रेडल का है एंड ऑल्सो इवेल्युएट दशन इन कॉन्टेक्सट ऑफ कंसेपचुअल लाइन अगर नहीं होती दोस्तों तो इस स्टैंडर्ड का या इस क्वेश्चन का इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से कोई लेना देना नहीं होता से, पहले मैं इस इसका डी 109 के प्रिंसिपल से दूंगा नहीं हुआ पर्टिकुलर केस में तो टेक्निकली स्पीकिंग टू से कम मिला तो मुझे रिमबर्स करना है ज्यादा मिला तो भी मुझे मिलेगा यानी ये प्योर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है टू फिफ्टी करोड़ टेकन को फाइनेंशियल लाइबिलिटी लोन दिखाऊंगा और मेरी बुक्स में 280 280 का 280 रहेगा क्यों, क्योंकि नताशा ने जिसको किया है उसको कल मिल गए तो वो मुझे पूरे 280 देगा एक तो दिन का ब्याज काट के तो उस लॉजिक से देर इज फेथफुली अगर मैं बताऊं तो देर इज नो डी इन वर्ल्ड इवन इफ यू द डेटा बिकॉज द बीन ट्रांसफर टू अनदर कम तो फेयर रिप्रेजेंटेशन फेथफुल प्रेजेंटेशन शुड आइडियली से दैट यू शुड नॉट डी रेकग्नाइज बिकॉज अभी भी आपके सर पे उससे रिलेटेड रिस्क है तो इन्होंने बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या होगा एक्सप्लेन किया और फिर उसके बाद उन्होंने फ्रेमवर्क के हिसाब से कहा कि भाई, भाई फ्रेमवर्क के भी प्रिंसिपल यही कहेंगे कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन तभी आएगा जब आप क्या करेंगे आप इसको डी रेकग्नाइज नहीं करोगे तो वेन यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आंसर यू विल बेसिकली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे वन जीरो नाइन और फ्रेमवर्क दोनों की बात की गई अपन डी रेकोग्नेशन डिस्क करेंगे तो वील टॉक अ लिटिल फर्दर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ इंटरप्रेट दिस इवन बेटर चलिए आगे डायरेक्टर्स ऑफ इंदा पर्टिकुलर सेकेंड क्वेश्चन बाद में लेंगे अबाउट यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे हैव ओपिन दैट ऑल दो इंडेज इंप्लीमेंट अ फेयर वैल्यू मॉडल ये बोलते हैं इंडेज फेयर वैल्यू मॉडल इंप्लीमेंट करता है इंडेज फेल टू रिफ्लेक्ट द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द एंटिटी तो बोलते हैं इंडेज फाइनेंशियल वैल्यू नहीं बता पा रहे क्योंकि वो फेयर वैल्यू रि यूज़ कर रहे हैं फिर भी नहीं बता पा रहे किसकी फाइनेंशियल वैल्यू बिजनेस की यानी आज मैं कंपनी बेचूंगा है मेरी इक्विटी शेयर्स की क्या वैल्यू है वो नहीं बता पा रहे ऐसा बोल रहे हैं डायरेक्टर्स ऑफ हिंद लिमिटेड डिस्कस द व्यू ऑफ डायरेक्टर्स एज रिगार्ड यूज ऑफ फेयर वैल्यू इन इंडियज एक ये मुद्दे पर कमेंट करना है आपको और साथ ही साथ फैक्ट दैट इंडेज डू नॉट रिफ्लेक्ट फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द एंटिटी प्लीज मेक स्पेशल रेफरेंस टू रेलिवेंट इंडेज एंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो ये जो आखिरी में लाइन लिखी गई है जिसके कारण आपको याद समझ में आएगा कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का रेफरेंस देना तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी पहले इंडेस और फिर फ्रेमवर्क के हिसाब से आंसर करेंगे इंडेज में आप क्या बोलोगे कि नंबर वन इंडेस में फेयर वैल्यू यूज़ करी जाती है ये गलत है क्योंकि सारे इंडेज फेयर वैल्यू यूज़ करने की बात नहीं करते कुछ जगह फेयर वैल्यू मैंडेटरी है कुछ जगह ऑप्शनल है कुछ जगह अलाउड ही नहीं जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे कैरी होती है पीपी में आपके पास ऑप्शन है इंटेंजिबल एसेट में एक्टिव मार्केट है तो ही फेयर वैल्यू अलाउड है अदरवाइज कॉस्ट पे ही चलाना पड़ेगा अमलगमेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन में कंपलसरी है फेयर वैल्यू पे पेट्स को रिकॉगनाइज करना है पर गुडविल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा विच इज नथिंग बट द द बैलेंसिंग फिगर ऑफ एक्सेस कॉस्ट पेड इंटरनली जो जनरेटेड गुडविल आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते इंडेस में तो यह कहना कि इंडेस फेयर वैल्यू पे सारी चीजों को मेजर करता है सबसे पहली बात यह गलत है दूसरी बात फ्रेमवर्क का भी उद्देश्य नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एंटिटी की फाइनेंशियल फाइनेंशियल वैल्यू निकाल के दे इनफैक्ट उसका उद्देश्य है कि वो स्टेटमेंट से रेलिवेंट और फेथफुल इंफॉर्मेशन दे जिससे कि यूजर्स अपने डिसीजन ले सके बट डिसीजन मेकिंग के लिए उन्हें दूसरी ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन भी देखना होगी तो पहले जितनी बातें बताई उसको पूरा इंडिया के कॉन्टेक्स में बताया फिर फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ एन एंटिटी के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रेफरेंस में आंसर देते हुए बोला कंसेप्चल फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली स्टेट दट जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट इंटेंडेड टू शो वैल्यू ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी फर्दर मोर सच एन अटेप विल नॉट बी फ्रूटफुल जैसे कि एग्जाम्पल दिया इंटरनली जनरेटेड असेट्स के नॉट भी रिकगग्नाइज विल कभी भी रिकग्नाइज आप कर ही नहीं सकते तो ये पॉसिबल ही नहीं इन्स्टेट दब्बेट ऑफ जनरल पर्पज इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी विच विल बी यूजफुलॉर इन्वेस्टर्टर एंडस क्रेटर्स इन मेकिंग डिसीजन अबाउट ऑफ द एंटिटी इट ओनली हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड इस तरह से आपको थोड़ा सा ये दो क्वेश्चन लेके थोड़ा समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन इफ एट ऑल पूछ रहे हैं तो किस तरह के पूछ रहे हैं ऐसे इंटरप्रेटिव फॉर्म के नया नया आए तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आएंगे तो या तो जो अपने पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन रिलेटेड कुछ आ सकता है या स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन मॉड्यूल में उसी से रिलेटेड आ सकता है बढ़िया आपके इस तीस मिनट के वीडियो में आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी पूरा का पूरा फ्रेमवर्क कर लोगे आप अपनी मुठ्ठी में कभी चार पांच मार्क का क्वेश्चन आया तो दुआएं उस समय दे देना बाहर निकल के दे देना या उस समय अभी लगे तो एक

Balance sheet will provide information of asset liability equity statement of profit and loss about income and expenses. And there would be other statement and notes which could give you information about asset liability, equity expense, cash flows, and other stuff. Financial statement reporting period. Ke liye jate hai, comparative bhi diye jana chahiye, so that at least user can compare and see what happens in the current year with respect to previous year. The perspective of preparing financial information is that they are prepared for यूजर्स एज अ होल तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी आ रही ये रिपोर्टिंग एंटिटी एज अ होल के लिए बनाए जा रहे हैं और स्पेसिफिक किसी यूजर के लिए नहीं बनाए जा रहे गोइंग कंसर्न का एजम्पन लिया जाता है लेकिन आपको उसका बेसिस डिस्क्राइब करना होता है और आपको टेस्ट भी करना चाहिए एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं नहीं है तो फिर आपको चेंज करना तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में

it could also be combined financial statement where two or more entities are not related as parent subsidiary but prepare their financial statement in a combined format this is ideally is not a situation which you may find in various cases but still could be done in rare situations as in what of one idea combining before combining their business कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ऐस स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं करते हैं पर इसका मतलब क्या होता है पेरेंट सब्सिडी नहीं और कंबाइंड करो तो कंबाइंड पेरेंट सब्सिडी मिला के बनाए तो कंसॉलीडेटेड लीगल एंटिटी बनाए तो स्टैंड स्टैंडलोन लीगल एंटिटी चाहे तो उसका एक पार्ट भी बना सकता है विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टैंड स्टैंडलोन एक सवाल उठता है वाट डू वी नीड स्टैंड स्टैंडलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट ऑल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट द रीजन फॉर दैट इज दैट कई बार हो सकता है कि कुछ डिसीजन मेकिंग स्टैंडरलोन के बेसिस पे ही हो जैसे डिविडेंड कितना बांटा जा सकता है ये आपके स्टैंडरलोन प्रॉफिट्स के बेसिस पे होगा टैक्स कितना पे करना है ये इंडिया में स्टैंडलोन प्रॉफिट्स के बेसिस पे होगा आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की जो आ रही है वो कितनी आएगी वो आपके स्टैंडलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे होगा सब्सिडरी की लीगल लाइबिलिटी सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड है पेरेंट की पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ना कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड है तो ये कुछ टर्म्स दिस यर्ड चैप्टर प्रॉरवर्ड इन स्मॉल एंड देमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एलिमेंट्स क्या होते हैं तो पोजीशन की होती है असेट लाइबिलिटी और इक्विटी और परफॉर्मेंस के लिए होती है ट्रांजैक्शंस एंड इवन दैट कॉस्ट चेंज इन एंटिटीज रिसोर्स इज अट्स एंड क्लेम्स विच इज लाइबिलिटीज असेट को बार बार इकोनॉमिक रिसोर्स कहा जाएगा लाइबिलिटी और इक्विटी को बार बार क्लेम ऑन एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्स कहा जाता है ये आउटसाइडर्स और ये

फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो चीजें होती है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसे रेफर कैसे करता है तो कहता है इकोनॉमिक रिसोर्स जिसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असट कहते हो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसे इकोनॉमिक रिसोर्स कहता है क्यों क्योंकि असेट तो एक टर्म है जिसे डिफाइन करेंगे तो समझ में आएगा तो इसके लिए हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले शब्द यूज करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स इकोनॉमिक रिसोर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मीट करेगा तो बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिमिलरली कलेम्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मीट करेंगे तो लाइबिलिटी कहलाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलरली ऐसी ट्रांजेक्शन और इवेंट जिससे आपका परफॉर्मेंस चेंज हो रहा है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मीट करेंगी तो वो इनकम और एक्सपेंस कहलाएंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिमिलरली ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे चेंज हो रहे हैं असेट्स और लाइबिलिटी में यानी इकोनॉमिक रिसोर्स और क्लेम्स में परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो रहा है ऐसे भी ट्रांजेक्शंस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट पा करेंगे तो ये पूरा पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हम ये बता रहे हैं कि पहले कोई चीज असेट बनेगी या नहीं उसके लिए आप देखो कि वो इकोनॉमिक रिसोर्स और कुछ कंडीशन मीट करता है तो अगले चैप्टर्स में अब हमें यही देखना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट टॉकउट द फर्स्ट एलिमेंट विच इज अट तो यहां परिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंस कब रिक्नाइज होगा एक असेट को रेकग्नाइज करने के लिए ये कहते हैं शुड बी राइट इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कंट्रोल कई सारे इंडिया में भी आपने पढ़ा होगा रेकोग्निशन की कंडीशन होती है जैसे इंटेंजिबल अट को रेकोग्नाइज या पीपी को बुक्स में असेट रेकोग्नाइज कब करोगे तो उसमें कंडीशन होती है एंड द कंडीशन इज नंबर वन कंडीशन यू विट द इट शुड बी प्रोबेबल टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विच शैल्प फ्लो टू दाइज

राइट right, दूसरी कंडीशन है कंट्रोल नाउ सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय राइट तो साफ साफ कहा गया है कि भैया राइट right ऐसा नहीं है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट से ही आएगी कई बार हो सकता है कि राइट right बिना लीगल या कॉन्ट्रैक्ट से यूजुअली लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होते पर कई बार हो सकता है आपने अपना खुद का एक पेटेंट बना लिया जो पब्लिक डोमेन में किसी के पास नहीं है और आपने रजिस्टर भी नहीं कराया तो उसका लीगल राइट नहीं है पर फिर भी आपके पास राइट है बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज इन रजिस्टर कराना ऐसे भी कंपल्सरी नहीं तो व्हाट इट सेज इज राइट देयर इज नो कंक्लूजन दैट चलो ये वाला पॉइंट मैं बाद में लेता हूँ ये पहले लेता हूँ राइट यूजली इन्वॉल्व्स तो कभी राइट से क्या होगा सामने वाली पार्टी की ऑब्लिगेशन होगी कॉन्ट्रैक्ट और लेजिस्लेशन से आएगा लेकिन जरूरी नहीं है दूसरे भी तरीके हो सकते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पार्टी पेटेंट ये भी आपकी एक राइट right क्रिएट कर सकता है फ्रेमवर्क एक चीज साफ कहता है कि यह भूल के भी मत सोच लेना कि राइट right आ गया तो असेट आएगा ही आएगा यह तो एक पहली कंडीशन कई बार हो सकता है आपके पास राइट हो फिर भी आप असेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते जैसे कि अपन इंडिया इसमें पढ़ते हैं सेल्फ जनरेटेड कॉपी राइट्स कोई बुक आपने खुद ने लिखी गाने के लिरिक्स लिखे हो सकता है उसकी कॉस्ट मेजरेबल ना होने के कारण आप उसका असेट रिकॉर्ड ना कर कई बार आपके पास ऐसी भी राइट होंगी जो यूजलेस है जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है जिस कारण से आप उसे असेट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे तो राइट सिर्फ पहली कंडीशन है दैट इज वाई वॉट इट सेज इज इट इज़ नो कंक्लूसिव एविडेंस दैट राइट है तो असेट हो गई होगा सिर्फ वे कंडीशन नॉट ऑल राइट्स आर अट्स जैसे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भले ही आपकी राइट है आपकी गुडविल है आपका बनाया हुआ लोगों आपका ही है लेकिन फिर भी आप असेट नहीं दिखाओगे क्यों बिकॉज हमें फाइनेंशियल वैल्यू फे बिजनेस की नहीं निकालनी है वो हमारा पर्पज नहीं है राइट जो बिना कॉस्ट के बन गई जैसे कि आपने खुद ने कोई गाना लिख दिया शायरी लिख गई हिट हो गई कोलावेरी 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 डी टाइप्स कोई कॉस्ट नहीं है तो आप उसको असेट रिकॉर्ड नहीं करोगे कई बार आपकी राइट आपकी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट आ जाती है जैसे आपने अपने डिबेंचर रिपर्चेज कर ली

राधर आप उसको क्या नाम दोगे गिव द नेम ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीन। बट अगर आपने लीज पे लिया है तो आपके पास उसका राइट टू सेल नहीं आया राइट टू सब लीज भी हो सकता है शायद नहीं आया आपके पास सिर्फ उसका एक ही राइट right आया राइट right टू यूज इसलिए बेहतर है कि वहां पे नॉमिन क्लेचर राइट right टू यूज दिया जाए राधर देन राइटिंग इट इन योर बुक्स एज लैंड बिल्डिंग

इंडेज पढ़ने के बाद ये बातें सुनोगे तो शायद आप रिलेट कर पाओगे और आपको समझ में आएगा कि इंडेज बनाने के पीछे ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्या यूज होता है तो जब बनाते हैं तो लोग इन चीजों को दिमाग में रखते हैं देन रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी सेकेंड क्या है पोटेंशियल टू प्रोड्यूस फ्यूचर बेनिफिट फ्रेमवर्क कहता है कि अगर आपको उम्मीद है कि इससे बेनिफिट होंगे तो वो आप असेट रिकॉर्ड कर सकते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि गारंटी है या सिर्फ उम्मीद है इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि उम्मीद ज्यादा है या कम है इनफैक्ट फ्रेमवर्क कहता है कि अगर उम्मीद है तो उस केस में असेट रिकॉर्ड किया जा सकता है एंड दिस इज वेयर सॉरी द फ्रेमवर्क एंड वुड कॉन्ट्राडिक्ट क्योंकि फ्रेमवर्क में बोला गया है कि अगर आपके पास लो प्रोबेबिलिटी की भी उम्मीद जनरेट फ्यूचर बेनिफिट है तो भी असेट रिकॉर्ड किया जा सकता है जबकि हम कई सारे में पढ़ते हैं किएगा हम क्लेम कब रिक्नाइज करते हैं बुक्स में वेन इट इज प्रोबेबल इट विलीड टू आउट फ्लो इकनोमिक रिसोर्स प्रोबेबल मीन मोर लाइकली इफ इट इज लेस लाइकली वी जस्ट डिस्कलोजेड एज अंजेंट लाइबिलिटी दट इज वाई सेल ओवर द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क Chale. So this is pretty important a discussion. Right, even with low probability gives creation of an asset. However, India is may not permit to recognize an asset or a liability where probability to receive or obligation to pay is low, and hence there may exist difference between the standard and the framework. Accounting, however, will be governed by standards only. So very important. This is not written for you. Timing may also be relevant sometimes, which means what? वॉट इट सेव प्रेनिफिट आप जब भी असेट रिकॉर्ड करोगे तो जो आपकी प्रेजेंट राइट है उसे आप असेट रिकॉर्ड करो तो यह आप कार आपको लगता है कि इस कार में मैं आने वाले समय में एक और मंजिल बना दूंगा एक फ्लोर और बना के डबल डेक्कर कार बना दूंगा तो आप उसे अभी असेट बुक नहीं करोगे आज आपके पास कार है उससे जो राइट है आपको वो बुक करना है बहुत ही फालतू का एग्जाम्पल ना अदर एग्जाम्पल आज आपने कोई एक फॉरवर्ड परचेज किया

तो यू आर प्रेजेंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज और यू आर वैलिडिटी टू ऑपटेन द बेनिफिट्स विच में कम आउट ऑफ इट और यू आर द एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर पार्टीज फ्रॉम डायरेक्टिंग द यूज ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्स वेदर और नॉट दैट इज लीगल राइट जैसे कि मैंने पेटेंट का एग्जाम्पल लिया रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी आपके पास राइट है कैसे आप खुद यूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास है कोई और यूज कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास है ही नहीं तो ये भी चलेगा तो लीगल राइट वैसा जरूरी नहीं है

जस्ट क्विक कर क्या वट आई एम डूइंग बिकॉज इस पर ऐसे भी बहुत ज्यादा समय दे के भी आप इतना टाइप नहीं दोगे हाफ एन आर वन आर ऑफ़ अ डिस्कशन शुड बी सफिशियंट टू कवर दिस एंड मे बू वज इट वस हाउ एवर दीज नोट्स एंड इट सेल्फ आर सफिशेंट यू डोट इवन नीड टू सी दिस वीडियो अगेन यू जस्ट नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर नोट्स विद यू एंड जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस एंड ये वो चैप्टर है दोस्तों विच विल बेसिकली मेक द डिफरेंस बिटवी नाइनटी नाइन हंड्रेड जो फास्ट कहता है नाइनटी नाइन इज नॉ इनफ

Or similar means, where entity entity has an an obligation to to transfer economic resource conditional to an action that entity itself may choose, a big question arises is there an obligation? जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप यू कह लीजिए कि मैंने बैंक से लोन लिया है और उस लोन के अंतर्गत तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो बैंक को रिपे करूं और ना करना चाहूँ तो ना करूं और इक्विटी शेयर्स इशू कर दू और ये ऑप्शन कंपनी के पास है तो क्या ऑब्लिगेशन है तो अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते हैं व्हेन इट इज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी टू अवॉइड द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड सेडल इट विद फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इट विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी एंड नॉट अ लायबिलिटी बट अगर मैं कहता हूं कि लोन की वैल्यू जो है वो है पाँच करोड़ की और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर मैं लोन पाँच करोड़ का कैश में ना पे करना चाहूं तो मैं अपने पचास करोड़ के वर्थ के शेयर्स उसको दूंगा तो लोन रीपेड माना जाएगा और 50 करोड़ की वर्थ के शेयर्स में मेरी आज की तारीख में कंपनी की देखा जाए तो पूरी की पूरी ओनरशिप स्टे की चली जाएगी कंट्रोल चली जाएगी यानी देखने के लिए बोलने के लिए दिखाने के लिए आपके पास राइट है कि आप इसे फिक्स नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स में सेटल कर सकते हो 50 करोड़ की वर्थ मैंने गलत बोल दिया इसे 50 करोड़ की फेस वैल्यू के शेयर्स देने तो आपके पास आज की तारीख में सिर्फ दिखाने के लिए प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि आप इक्विटी में सेटल कर सकते हो बट देर इज नो प्रैक्टिकल रियलिस्टिक राइट बिकॉज यू नो पांच करोड़ के बीच आप पचास करोड़ की बीच वैल्यू के शेयर नहीं इशू करने वाले विच इज गोइंग टू लीड टू अ लॉस ऑफ कंट्रोल फॉर यू नोइंग द फैक्ट दैट कमनीज अ नेटवर्क ऑफ मोर देन हंड्रेड करोड तो आप ये बोलोगे कि ये सिर्फ दिखावे का राइट है इट्स नॉट अ रियलिस्टिक राइट दैट मीन्स यू हर प्रैक्टिकली नो एबिलिटी टू अवॉइड फाइव करोड ऑफ आउटफ्लो फॉर द बैंक हेंस इट इज अ अइबिलिटी एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लास यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स में कोई कंपलसरी नहीं है कि हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी में भी बुक कर सकते हैं वो बात अलग है कि स्टैंडर्ड जब तक हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी बुक करने नहीं देते और इट शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवन फ्यूचरिस्टिक ऑब्लीगेशन को अभी से हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज दोज आर फ्रॉम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आगे आएंगी तो उसको आगे की आगे देखेंगे अपनी िटी बोलता है इस साल के ट्रांजैक्शन इस साल में रिकॉर्ड करेंगे तो आज आपने सपोज फॉर एग्जांपल कमिटमेंट किया है कि छह महीने बाद आप पैसे देकर असेट खरीदोगे तो जब असेट आएगा तब पैसे देंगे तब की तब देखेंगे अभी उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इट शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स ओनली देन यू हैव टू रेकनाइज इट फॉर बोथ एंड लाइबिलिटी प्लीज कीप इन माइंड अ फ्यू थिंग्स विच आर लाइक वॉट यूनिट ऑफ अकाउंट कुड बी एनीथिंग यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड असेट्स इंडिविजुअली लैपटॉप वन टू थ्री की बजाय लैपटॉप्स लिख सकते हो ऐसा भी नहीं है आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो एयरक्राफ्ट इंजन अदर बॉडी पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट यानी कॉम्पोनेंट वाइज भी आप एक असेट को सेग्रीगेट कर सकते हो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो है जो दोनों पार्टी की तरफ से इक्वली अनपरफॉर्म्ड है उन्हें रिकोग्नाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि दैट डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रंजेक्शन ऑफ द ईयर वेन दे विल भी परफॉर्म देन रिकग्नाइज इन द बुक्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट ट्रजक्शन ऑफ ईयर हालांकि इंडियाज कहते हैं ओनरस हो तो रिकॉर्ड करो पर यहां पे कहा गया एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड नहीं करेंगे

और जब तक पैसे दोगे तब तक सॉफ्टवेयर चलेगा दो साल का आपका अग्रीमेंट है सॉफ्टवेयर उसी का है उसको सिर्फ आपको या, यूज करने के लिए दे रखा है यूज में भी सिर्फ आप सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन से डाउनलोड करके यूज करते हैं टेक्निकली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर केस में ना तो आपका सॉफ्टवेयर पे कोई राइट टू यूज आया है ना ही सॉफ्टवेयर आपकी बुक्स में आपका इंटेंजिबल अ रिकॉर्ड होगा ये सिर्फ एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंस में आपको हर साल हर महीने पैसे देना है और सॉफ्टवेयर यूज करते जाए ये वही बात है कि एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको बोला है दो साल तक छोड़ेगा नहीं तो नहीं और तुझे हर महीने की एक लाख रुपए दो लाख रुपए तनखा दी जाएगी इसका मतलब आप इसे अपनी बुक्स में ना असेट, ना रिकॉर्ड करोगे यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और असेट टू बी रिकॉर्डेड और अ लाइबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड विच इज अमाउंट टू बी पेड टू द्लॉय बिकॉज असेंशियली इन सब्सटेंस ये सिर्फ एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो सब्सटेंस से अकाउंटिंग होगी इंडिया इसमें अपन सब्सटेंस और फॉर्म के कई एग्जाम्पल देते हैं इक्विटी आर क्लेम्स विच रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट इन ऑल इट्स डिटक्टिंग ये डेफिनेशन पुराने फ्रेमवर्क में और इस फ्रेमवर्क में थोड़ी सी चेंज है पहले बोलते थे इक्विटी इज रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट्स अब बोलते हैं आर नॉट लाइबिलिटीज इक्विटी को वैल्यू नहीं किया जाता है एंड इक्विटी को क्लासिफाई जरूर किया जा सकता है लाइक रिजर्व शेयर कैपिटल लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है इसे क्लासिफाई करके बुक्स में रिकॉर्ड करने के. की in in like इनकम की डेफिनेशन है इनकम इज इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी विच लीड्स टू इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिप्रेजेंटिंग ट्रांजैक्शन विद होल्डर ऑफ इक्विटी क्लेम्स लाइक कैश मंगाई और शेयर इशू किया तो इक्विटी आपकी बड़ी है बट ये इनकम नहीं है तो इनकम में क्या माना जाएगा इक्विटी होल्डर्स के साथ जो ट्रांजैक्शन है उसे हटा दो उसके अलावा कोई भी चीज जिससे आपकी एसेट बढ़ रही है या लाइबिलिटी कम हो रही है और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो वो आपकी इनकम तो एक्सपेंस हो जाएगा जिससे असेट कम या लाइबिलिटी बढ़ेगी जिससे डिक्रीज होगी आपकी इक्विटी अदर देन दो रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एज एन डिविडेंट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ठीक है तो इसलिए डिविडेंड अपने आप में एक्सपेंस नहीं मानी जाती है दीज आर सर्डन टर्म्स ये आपका चैप्टर फोर होता है

जो इनकम और एक्सपेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं और इससे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है जिसे आप लोग कैरिंग अमाउंट कहते हो अपनी एसेट्स लाइबिलिटीज का रिकग्नेशन कब करना है बेसिक लॉजिक वही है आपकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स रेलिवेंट होना चाहिए फेथफुल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए तभी एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे रेलिवेंस के कारण कई बार ऐसा होता है कि कुछ राइट्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि प्रोबेबिलिटी लो हो या यानसोर्टनिटी हाई है तभी तो अपन ने क्या बोला असेट कब रिकॉर्ड होएगा जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होएगी एक तो राइट है इकोनॉमिक रिसोर्स आने की आपकी प्रोबेबिलिटी है भले ही कम हो और फाइनली कंट्रोल है। अब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है फिर भी मैं असेट रिकॉर्ड कर दूंगा तो हो सकता है ये रेलेवेंट और फेथफुल प्रेजेंटेशन नहीं हो क्यों क्योंकि यूजर्स को लगे कि कंपनी की एसेट हो सकता है उससे डिविडेंड भी बांट दिया जाए और बाद में असेट ना मिले तो मालूम पड़ा आउट ऑफ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो मोर रेलिवेंट बेिस और फेथफुल बेसिस ऑफ प्रेजेंटिंग वुड बी कंजर्वेटिजम हैंंगस इफ यू आर नॉट रियली वेरी श्योर अबाउट रिकगनाइजिंग और रियलाइजिंग इन अ देन प्लीज वेट अनलिस द प्रोबाबिलिटी बिकम्स वेरी हाई सो स में प्रिवेंट यू फ्रॉम इन सेट तो इसलिए इंडेज बोलता है कि भैया जब तक वर्चुअली सर्टन नहीं हो कंटिजेंट मानना और रिकॉर्ड नहीं करना लाइबिलिटी में अगर हाई प्रोबेबिलिटी हो तो प्रोविजन बनाना लो प्रोबेबिलिटी हो तो मत बनाओ कंटेंजेंट लाइबिलिटी डिस्कलोज करो ये क्यों ताकि हमारी अकाउंटिंग रेलिवेंट हो आप सोचो छोटी आपकी लाइबिलिटी प्रोबेबल नहीं है लेस लाइकली है फिर भी आप प्रोविजन बनाओगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इ रेलिवेंट हो जाएंगे बेवजह ज्यादा खर्चे दिखाओगे डिविडेंड कम बांटोगे प्रॉफिट कम दिखाओगे जबकि एक्चुअल में ऐसा ही किसी ने भी केस लगा दिया अपन प्रोविजन बना देंगे भले ही प्रोबेबिलिटी कम है गलत हो जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना पहले अपन ने डेफिनेशन समझी अब उसको रिकॉर्ड बुक्स में अट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस करना है नहीं उसके लिए बातें कर रहे हैं तो उसके लिए बातें करते हुए सबसे पहले हमने बोला भैया हमें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मीट करना है रेलिवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन अनसर्डन देर कुड बी एग्जिस्टेंस अनसर्डेंटी जैसे कि असेट्स और लाइबिलिटी दोनों में

राधा राम ये कहते हैं कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बहुत आई है तो फिर ए कोई भी एक बेसिस ऑफ वैल्यू को ना लो या प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑफ प्रोबाबिली एवरेज ऑफ वेरियस वैल्यूज ले लें जैसे अपन नहीं करते इंडिया लगता है लीगल केस में चांसेस हारने के हमारे सिक्सटी परसेंट है और पांच लाख का लॉस होगा तीस परसेंट चांस है कि एक लाख का ही लॉस होगा और दस परसेंट चांस है कि जीत जाएंगे तो अपन सबका मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज निकाल के उतना प्रोविजन बना देते हैं क्यों क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेटी है तो एवरेज आउट कर दिया जाए प्रोविजन बनाने के लिए अनसर्टनिटी तो ज्यादा है तो हम नॉर्मली ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग नहीं करेंगे अकाउंटिंग करेंगे लेकिन बेसिस ऑफ वैल्यूएशन चेंज कर देंगे लाइक प्रोबेबिलिटी बेस्ड। नॉर्मली हम अनसर्टनिटी को दूर करने के लिए नरेशन या नरेटिव फॉर्म के डिस्कलोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देते हैं जिससे कि क्या होता है अनसर्टन है तो हम यूजर को इन्फॉर्म कर देते हैं फिर भी यहाँ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि कभी अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा हो कि आप कोई वैल्यूएशन का बेसिस निकाल ही नहीं सकते हो जैसे कि यू हैव अ पीपी असेट विच इज एक्चुअली लाइक अ वेरी रेयर असेट जैसे उसकी वैल्यू निकालना प्रैक्टिकली स्पीकिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्टर के हीरे टाइप की कोई आपकी असेट्स हैं तो फिर उसके इसमें बेहतर होगा कि आप उसका फेयर वैल्यूएशन करो ही ना उसे कॉस्ट पे ही कैरी करो तो क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि आप कोई बेसिस पे वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे एंड देन अदर फैक्टर्स कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी होंगे जो अफेक्ट करेंगे कि आपको रिकॉर्ड करना है नहीं एज एन इनकम एक्सपेंस लाइबिलिटी पे क्या इसका इम्पैक्ट आता है कब डी रेकनाइज किया जाएगा असेट्स लाइबिलिटीज को तो जब आपका असेट पे कंट्रोल खत्म हो जाए आप उसे डी रेकग्नाइज कर दो और ये मैंने फैक्टरिंग वाला जो एग्जाम्पल लिया था ये एक इनकन्सिस्टेंसी बताता है या यू कह लो कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को आपको सिर्फ पार्ट में नहीं पढ़ना है पूरा पड़ना तो कंट्रोल तो मेरा चले गया जैसे ही मैंने डेटर फैक्टर को ट्रांसफर कर दिया अब डेटर से वही पैसे रिकवर करेगा मैं नहीं करूंगा तो मेरा कंट्रोल डेटर से गया बट सब्सटेंस में अभी भी मेरे सर पे रिस्क है इसलिए मुझे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फेथफुल प्रेजेंटेशन मीनिंगफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं तो डी रिकग्नाइज डेटर नहीं करना चाहिए क्योंकि डेटर ने पैसे कम दिए तो भी मेरा नुकसान ज़्यादा दिए तो भी मुझे मिलेंगे

Let's say, एक पार्ट बेच दिया या जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया तो जो नहीं बेचा है नॉर्मली उसे आप कॉस्ट पे ही कैरी या उसके एग्जिस्टिंग वैल्यू के बेसिस पे कैरी करोगे उस पर कोई गेन लॉस बुक नहीं करोगे अनलेस जो नहीं बेचा है उसका मेजरमेंट बेसिस अलग हो बेस्ट एग्जाम्पल सब्सिडरी बन गई मेरी एसोसिएट क्योंकि मैंने उसमें अस्सी परसेंट स्टेक था और चालीस परसेंट उसका बेच दिया बचा 40.

चलिए यू विल ऑल्सो सपोर्ट दैट एंड देन फाइनली ये हमारा फिफ्थ चैप्टर हो जाता है बेसिकली टॉक्स अबाउट एंड डी रेक एंड देन यू हैव मेजरमेंट मेजरमेंट के दो ही प्रिंसिपल्स होते हैं या तो कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू जिसे हम करंट वैल्यू कहेंगे कॉस्ट प्रमानी किससे डिराइव होती है तो जो आप एक्चुअल कॉस्ट पे कर रहे हो वो रहेगी ये अच्छा बेसिस है अगर आपका ट्रांजेक्शन ऑम्सलेन प्राइस पे हुआ है पर अगर ट्रांजेक्शन ऑम्सलैन प्राइस पे नहीं हुआ है तो फिर हो सकता है कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना अपने आप में सही ना हो और ऐसी सिचुएशन में फिर आप करंट वैल्यू यूज करोगे करंट वैल्यू के अलग अलग बेसिस हो सकते हैं एक होती है value, कि आज बेचूंगा तो कितना पैसा मिलेगा पूरे प्राइस मतलब और दिट बी बेस्ड सेलिंग प्राइस विच इज इग्नोरिंग एनी काइंड ऑफ सेलिंग कॉस्ट तो ध्यान रखना सेलिंग प्राइस में सेलिंग कॉस्ट माइनस नहीं होती इट इज द सेलिंग प्राइस ना कि नेट सेलिंग प्राइस दूसरा तरीका होता है कि आप वैल्यू इन यूज ले सकते हो वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज अगर आप कंपेयर करोगे इसको और फेयर वैल्यू को तो डिफरेंस क्या है ए फेयर वैल्यू मार्केट बेस्ड होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो यानी वैल्यू इन यूज एंटिटी स्पेसिफिक होती है फेयर वैल्यू में कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं की जाती है लेकिन वैल्यू इन यूज में जो टर्मिनल कैश फ्लोज होते हैं कि की लाइफ खत्म होने पे उसे बेच के जो पैसा मिलेगा उसमें जो उसको सेलिंग कॉस्ट लगेगी वो माइनस की जाती है तो टर्मिनल कैश फ्लोज आर नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट एज इन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ दिल्स यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करते हैं इनफैक्ट फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज होंगे और उसकी टाइम वैल्यू मनी से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं जबकि फेयर वैल्यू में हम मार्केट पार्टिसिपेंट आज उसकी क्या वैल्यू अगर हम इसे सेल करेंगे तो देंगे वो बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है ये दोनों एग्जिट बेस्ड प्राइसिंग है एंट्री प्राइस अगर देखेंगे तो उसे बोलते हैं एंट्री वैल्यू विच इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और करंट वैल्यू आज अगर वैसा ही एसेट आप खरीदने जाओगे तो कितने का मिलेगा दैट इज समथिंग विच इज टर्म एज योर करंट वैल्यू इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये मोबाइल है और ये मोबाइल मैं बेचने जा रहा हूं तो मैं इसे बेचने जाऊंगा तो आज मुझे कितने मिलेंगे तो मैं गया किसी के पास और मैंने बोला यार ऐसे का ऐसा मोबाइल मुझे खरीदना है कितने रुपए में देगा उसने देखा इसको अच्छे से और उसने बोला अच्छा ये वाला ओके हो छ महीने पुराना है हाँ ठीक है साठ हजार साठ हजार रुपये में दे देंगे ऐसा मैंने बोला रख ले उसने बोला मतलब मैंने बोला मेरे को तो बेचना है खरीदना नहीं है अब साठ हजार दे वो नहीं देगा मुझे साठ हजार वो बोलेगा भैया बेचना है तो पचास हजार रुपये खरीदना है तो साठ हजार क्योंकि हम भी हम मार्जिन कमाने के बैठे हैं तो आज मैं ऐसा खरीदने जाऊं तो जो इस प्राइस पे मिलेगा वो एंट्री वैल्यू है आज इसे बेचने जाऊं तो जो पैसे मिलेंगे वो इसकी एग्जिट वैल्यू है फेयर वैल्यू चलिए नहीं वेस तो कहां पर मुझे फेयर वैल्यू लेना चाहिए करंट वैल्यू लेना चाहिए कहां पर मुझे एग्जिट प्राइस लेना चाहिए

What value should you use and where? Your choice should once again be based on what the two fundamental characteristics of financial statement: relevance and faithful representation. Relevance kaise decide hogi dekho asset or liability ki characteristics dekho अगर आपका characteristic asset को hold करने का है, तो फिर बेहतर है कि आप उसको fair value पे measure मत करो. Use करने का है, तो fair value मत लो, cost पे carry करो. और अगर आप fair value भी लेना चाह रहे हो, तो आप स सच ये सोचिए कि भाई अल्टीमेटली क्या मैं इसको बेच के पैसे बना रहा हूं नहीं तो इसका मतलब मे बी आप करंट वैल्यू प्रेफर करें तो एनी विच वेस नॉर्मली पीपी जैसी असेट में आप यूज करोगे कॉस्ट और डेरिवेटिव क्योंकि आप बेच के ही पैसे बनाने वाले हो तो इसका मतलब फेयर वैल्यू पे मेजर करना लॉजिकल होगा फ्यूचर कैश फ्लो कोई चीज डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कर रही है जैसे कि आपका डेटर है बेच के पैसे मिल रहे हैं या आपका शेयर इन्वेस्टमेंट है किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट है बेच के डायरेक्ट पैसे मिलेंगे तो इस पर फेयर वैल्यू फिर भी बेहतर है पर पीपी में डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे कोई गुड्स बनेंगे वो बिकेंगे तो यहां पे फिर उसको डायरेक्टली फेयर वैल्यू पे मेजर करना लॉजिकल नहीं होगा तो वहां पे कॉस्ट शायद बेहतर होगा या करना है तो वैल्यू इन यूज में भी यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड कुछ फ्रेमवर्क कुछ बता नहीं रहा है यहां पे ये यूज करो ये प्रिंसिपल बेस्ड है रूल बेस्ड नहीं है ये प्रिंसिपल दे रहा है जिसके बेसिस पे स्टैंडर्ड बनाएगा सेटर नेक्स्ट कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग मिसमैच ना हो ये आपको ध्यान रखना है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने छे पैसे उधार लिए फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट है ऐसे कभी लोन मिलता नहीं है ऐसा पर कभी मिला तो आप क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो एफ ई पे मेजर हो रहा है तो बेहतर है कि जो लोन लिया वो भी एफ ई मेजर करो ताकि अकाउंटिंग मिसमैच ना हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पड़ते हैं अनसर्टेनिटी अगर मेजरमेंट अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है फेयर वैल्यू यूज करने में तो बेहतर है अवॉइड करो आप कॉस्ट पे कैरी करो जैसे इंटेंजिबल एसेट्स में इंडेक्स आपका कहता है कि जब तक इंटेंजिबल एसेट्स की एक्टिव मार्केट प्राइस नहीं होना उसे आप फेयर वैल्यू पे रिवैल्यू मत करना क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा बहुत अनसर्टनिटी हो जाएगी आप सोचिए कि आपने कोई ब्रांड खरीदी है उसकी फेयर वैल्यू निकालना खरीदी हुई ब्रांड है तो रिकॉर्ड कर सकते हो आप उसे रिवैल्यू करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू निकालना अपने आप में कितना बड़ा सब्जेक्टिव मैटर होगा इसलिए बेहतर है कि आप बहतर, उसे कॉस्ट पे या आपकी कैरिंग अमाउंट बेस पे ही उसको कैरी करें हालांकि मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम आउटकम अनसर्टेनिटी दोनों में क्या फर्क है अमाउंट कितना है ये एक अलग बात है आउटकम क्या है ये अपने आप में एक अलग बात है आउटकम इन उससे कैश फ्लो होंगे नहीं होंगे कब होंगे और अमाउंट इन उसकी वैल्यू क्या है दोनों में डिफरेंस होता है ये फंडामेंटल फैक्टर्स आपको मदद करेंगे कहां पे कौन सी वैल्यू यूज करना है इसी कारण से हम पीपी में कॉस्ट अप्रोच यूज करते फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं वही फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमें पे ऑफ करके सेटल करना है तो उसे कॉस्ट या एमोटाइज कॉस्ट के बेसिस पे मेजर करते हैं साथ ही साथ आपके एनहांसिंग फैक्टर्स अपन ने देखे थे सी टी यू वी तो कंपेरेटिवलिटी तो आप कंसिस्टेंट मेथड यूज करें अनलेस चेंज करना जस्टिफाइड हो आप मेथड ऐसा यूज करें जो अंडरस्टैंडेबल हो वेरीफाइबल हो तो ये बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड इन टर्म्स ऑफ व्हाट मेथड और व्हाट बेसिस शुड बी यूज वेरीफाइबल एज एन आपके पास उसके प्रॉपर साउंड प्रूफ हो अंडरस्टैंडेबल यानी बेहतर है कि आप बहुत ज्यादा वेरिएशन ना रखें कम से कम बेसिस रखें वैल्यूएशन के और उसे फॉलो करें फैक्टर स्पेसिफिक टू इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एंड लाइबिलिटी असर्ट लाइबिलिटी का इनिशियल मेजरमेंट यूजअली किस पे होगा तो ये कहते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन मार्केट टर्म्स में हुआ है और कैश में है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर लो पर अगर एक्सचेंज हुआ है तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और टेकन जो भी ज्यादा एविडेंट है अगर दोनों एविडेंट इक्वली होती है तो गिवन अप क्या कि आपको कॉस्ट निकाल सके ऐसा ही इंडेज भी कहते हैं लेकिन अगर मार्केट टर्म्स में नहीं है जैसे रिलेटेड पार्टी डोनेशन ग्रांट कंपनसेशन तो यहाँ पे फिर कॉस्ट की जगह डीम कॉस्ट होगी

क्या एक से ज्यादा बेसिस ऑफ मेजरमेंट यूज किए जा सकते हैं तो नॉर्मली हम एक बेस एक कैटेगरी ऑफ असैड लाइबिलिटी के लिए यूज करेंगे लेकिन हो सकता है कि एडिशनल बेस भी हमें यूज करना पड़े बट यूजुअली ऐसा हम करते हैं तो डिस्क्लोजर के लिए जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपन इंडेस फॉडी में क्या करते हैं मेजर करते हैं कॉस्ट पे पर कंपल्सरली हमें उसका फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर देना ही पड़ता है अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो कई बार हम क्या करते हैं ऑल्टरनेट बेसिस मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूज नहीं करेंगे करेंगे भी तो एक पूरी क्लास के लिए एक ही बेसिस यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम नोट्स में दूसरे बेसिस का डिस्कशन कर सकते हैं पर कोई यहाँ पे फ्रेमवर्क में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पूरी बी पे या तो कॉस्ट बेसिस यूज होगा या फेयर वैल्यू बेसिस यूज होगा ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट इट्स इज कम्पेरिटिवलिटी के लिए कंसिस्टेंसी के लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए एक ही बेस हो तो बेहतर है ऐसा इक्विटी को हम कभी भी मेजर नहीं करते हैं फेयर वैल्यू पे इक्विटी जो हमारे प्रॉफिट्स का नेट रिजल्ट आता है वो हमारी इक्विटी में जाता है क्योंकि हमारा उद्देश्य कंपनी की वैल्यूएशन फाइनेंशियल वैल्यू निकालना नहीं एंड देन इन बाद प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेजेंटेशन डिस्कलोजर का तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात की गई है ये कहते हैं कि भाई देखो हमारे पास प्रेजेंटेशन के दो तरीके थे एक हम फॉर्मेट फिक्स कर देते हैं और बोलते हैं हर कंपनी इसी फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हम ऐसा नहीं चाहते ताकि क्यों क्योंकि हम नहीं चाहते दो चीजें पहला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबके एक जैसे बनाए इसलिए कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए क्योंकि यूजर डज नॉट वांट द स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन रादर इट वॉन्ट एंटिटी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो एंटिटी लाइक बैंक एंड एन एनबीएफसी एंड अ ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विल हैव डिफरेंट लेआउट्स फॉर प्रेजेंटेशन इवन विद इन ट्रेडिंग एंटिटीज देयर प्रेजेंटेशन नीड्स में बी डिफरेंट तो इसके लिए सबसे पहली बात हम फ्लेक्सिबल फॉर्मेट लेंगे साथ ही साथ में स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कई चीजें डुप्लीकेट होती है डुप्लीकेशन होता है हम उसे भी भी अवॉइड करना चाहते हैं हैं देन जब भी आप प्रेजेंटेशन करते तो प्रेजेंटेशन जैसे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको क्या देखना है उसमें वही कि किस चीज को असेट किसको लाइबिलिटी किसको इनका सॉरी किसको इक्विटी में क्लासिफाई करना है तो इसका मतलब क्या हुआ प्रेजेंटेशन सॉरी क्लासिफिकेशन करते समय वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड इज सेट लाइबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंस शुड बी क्लासीफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम को आप एक तरफ क्लासीफाई कर दो तो लीज आर ओ यू असेट पीपी असेट अलग अलग जाएंगे पीपी में भी आप ऐसा कर सकते हो कि बैलेंस शीट में आप पीपी डाल दो और नोट्स में और डिसेग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन दे दो तो so ये कहते हैं कि एग्रीगेशन एक अच्छा बेसिस होता है कई बार अकाउंटिंग का या प्रेजेंटेशन का ताकि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दिखे और उसका डिसेग्रीगेशन नोट्स में दिखे ऐसा करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं टिंग यूजली अवॉइड करना चाहिए कि आपकी मिसलिन इनकम और एक्सपेंस को सेट ऑफ करके दिखा दिया या सेलिंग एक्सपेंस और सेल्स को सेट ऑफ करके क्यों क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें अलग अलग दिखाएंगे तो बेहतर है ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स या लीगल रिक्वायरमेंट के कारण आप क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे अलग अलग रिजर्व हो सकते हैं कैपिटल और स्टैचुटरी रिजर्व डिवेंचर एडमशन रिजर्व और फ्री रिजर्व अलग अलग दिखाना पड़े शेयर कैपिटल पर शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में क्लासीफाई करना पड़े तो करें

वो हो सकता है कि आईसीआई को ऐसा लगे ऐसा लिखा है फ्रेमवर्क में आईसीआई को ऐसा लगे कि इसे पी एल में देने से वी विल बी क्लबिंग ऑल प्रॉफिट और लॉसेस टुगेदर विच विल नॉट गिव रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर एज दीज प्रॉफिट और लॉसेज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड दैट इज वाई वेन वी अलाउ टू रिकोगनाइज गेन और लॉस इन चेंजेस इन वैल्यू ऑफ असर्ट्स एंड वी वॉन्ट टू शो देम डिफरेंट फ्रॉम दी अदर प्रॉफिट्स और लॉसेज और इनकम एंड एक्सपेंस वी विल पुट दैम अपन ओ सीआई मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रिवैल्यूएशन गेन लॉस आपके ओसीआई में ही जाएंगे जैसे एफ वी टीपीएल मेथड फॉलो होता है फाइनेंशियल असेट में जो आप ट्रेडिंग के लिए रखते हो उसका गेन लॉस पियर में ही जाता है भले ही अनरियलाइज्ड है पर अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो और फिर भी आप पेयर वैल्यूबल आ रहे हो तो उसकी गेन लॉस ओसीआई में जाते हैं तो ये आईसीआई डिसाइड करता है उसका बेसिक लॉजिक ये है कि जब वो चाहता है कि जो ऑर्डनरी हमारे बिजनेस में इनकम एक्सपेंस जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है वो सब पी में जा रही है पर हम लगता है कि उसमें कोई चीज मिक्स की तो उससे प्रेजेंटेशन बिगड़ेगा तो वो चीजें आईसीआई बोल देगा कि भैया ऐसे ओ सी में डाल पर इसमें भी आईसीआई कह देगा कि जब वो प्रॉफिट या एक्सपेंस रियलाइज हो तो उसे रिक्लासिफाई करके पीओर में डाल देना लेकिन अगर आईसीआई को ऐसा लगता है कि रियलाइज कब हुए ये डिसाइड करना मुश्किल है जैसे कि एक डिबेंचर में आपने इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट 100 से 110, 120, 130 एक उसकी वैल्यू बढ़ती गई तो आप हर साल ओ में गेन बुक करते गए सी .E. फिर आपने उसे सेल कर दिया तो आपने पूरा प्रॉफिट इतने सालों का पी में डाल दिया क्योंकि ये रियलाइज कब हुआ जब आपने बेचा है लेकिन पीपी -पी के, के केस में अगर आप रिवेल्युएशन करते हो तो उसका रिवेल्युएशन गेन एक साल लॉस अगले साल ये सब ओसीआई में गया पर जब आप पीपी को बेच रहे हो तो आप ये नहीं मानो कि उस दिन आपने उसका गेन लॉस रियलाइज किया है क्योंकि पीपी का के बेसिस बट पीपी बेचने के लिए नहीं पीपी को बेच के वो गेन लॉस रियलाइज कर लिया ऐसा बोलना गलत होगा दैट इज वाई इट इज नॉट रियलाइजेशन ऑफ दोन गॉस को हम ओसीआई एनआर मानते नॉन रिक्लासिफाइबल ये इसके पीछे बैकग्राउंड लॉजिक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइनली कैपिटल और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस ये चीज आपके पहले भी होती थी सिलेबस में अभी भी है जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सोच के बनाते हो कि पिछले साल मेरी इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सौ थे और आज एक सौ दस है तो इसका मतलब दस रुपये का प्रॉफिट हुआ गेन हुआ कैपिटल बढ़ी यानी आप फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन कर रहे हो ऐसा बता रहे हो पर सपोज आपकी कैपिटल पिछले साल सौ थी उससे आपकी परचेजिंग पावर जो थी वो सौ के गुड्स परचेज करने की थी पर एक साल बाद इन्फ्लेशन हो गया दस परसेंट का जिससे अब आपकी वो सौ की कैपिटल के बदले में आपको एक सौ दस की कैपिटल चाहिए थी और आपने इस साल दस के प्रॉफिट कमाए तो इससे आपकी कैपिटल बड़ी नहीं है बस मेंटेन रही है जितनी आपकी पहले परचेजिंग पावर थी आज उतनी है तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस तरह से प्रेजेंटेशन दोगे कि भैया ये जो हमने गमाया, कमाया है ये कमाई हमारी एक्चुअल में कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है इट इज जस्ट मेंटेनिंग द फिजिकल कैपिटल इस अप्रोच से आप प्रेजेंटेशन देंगे तो इसे कहा जाएगा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस अप्रोच इस अप्रोच में आप ये कह सकते हो कि हम असेट्स लाइबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे इन्फ्लेशन के कारण उनकी वैल्यू को चेंज करेंगे और उसके कारण हमारी इक्विटी को चेंज करेंगे और हम कहेंगे कि ये हमारा गेन लॉस नहीं है और इसके अलावा जो दूसरे गेन लॉस होंगे सिर्फ वही गेन लॉस दिखाएंगे ये अप्रोच यूजुअली हम लोग फॉलो नहीं करते इसके ऊपर क्वेश्चन सिंपल इस तरह के हो सकते हैं जिसमें आपको सिंपली दिया जाए क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल या इन्फ्लेशन रेट है उससे आप निकाल लीजिए कि भैया हमारा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन है क्या तो इफ क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन बट क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग इन टू द इंडेक्स फैक्टर फॉर इन्फ्लेशन देन वी विल से फिजिकल कैपिटल इज मेंटेन और इम्प्रूव अदरवाइज विल से इट इज रिड्यूज इसे हम यूनिट ऑफ कैपिटल में भी डिस्कलोज कर सकते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स जो अपन ने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किया उसकी तरह से डिस्कलोज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन अपन ने देख लिया था टू बता देता हूँ एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर रिकग्निशन ऑफ अट एंड डिस्कस इफ देर आर इनकसिस्टेंसीज विद डेज थर्टी एट तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में असट रिकग्निशन के लिए कहा गया है कि भैया राइट right होना चाहिए प्रोबेबिलिटी टू ऑन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए इनफैक्ट फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए भले ही वो प्रोबेबिलिटी लो हो या हाई हो एंड कंट्रोल होना चाहिए जबकि इंडियज थर्टी में कहा गया एंड टेंजेबल अटेट तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू एंटरप्राइज एंड दे आर प्रोबेबल मोर लाइकली एंड कॉस्ट इज मेजरेबल इसलिए दोनों में इनकंसिस्टेंसी है एक जगह कहा गया है प्रोबेबल है तो ही रिकॉर्ड करेंगे दूसरी जगह कहा है लो प्रोबेबिलिटी पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं पर फिर भी ऐसा करना रेलेवेंट है क्यों क्योंकि अनसर्टनिटी अगर ज्यादा है तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना तभी माना जाएगा जब आप होने पे ही असेट रिकॉर्ड करेंगे तो हम बोलेंगे देर आर इनकसिस्टेंसी बिटवीन दीज टू डेफिनेशन ऑफ असेट एंड रिकग्निशन प्रिंसिपल इंडिया एट बट स्टिल फॉलो इंडिया गिविंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज ऑल्सो दरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो ऐसा तोड़ मोड़ के घुमा के आंसर दिया जाएगा पड़िएगा पर आपको बढ़िया समझ में आएगा एंड दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन एवरेस्ट लिमिटेड इज ए कंपनी है इन वेरियस सब्सिडीज

तो ये दूसरी कंडीशन पूरी हो गई कि आपने क्या किया है कि रिवर्सिबल स्टेप यानी पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया बट डिड नॉट एक्टिवली ट्राई सेलिंग द सब्सिडी एज इट वाज स्टिल ऑपरेशन तो ये कंडीशन सेटिसफाई नहीं हुई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एज पर इंडिया की कंडीशन है कि यू शुड बी रेडी टू सेल दी एसेट इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड यू शुड एक्टिवली लुक आउट फॉर बायर्स और यू शुड हैव अ बाइंडिंग लुकआउटिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इफ इट इज रिक्वायर्ड शुड बी ऑप्टेंड एंड पब्लिक अनाउंसमेंट और एन शुड बी मेड दो कंडीशन हो भी रही है दो नहीं भी हो रही है तो इसलिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं क्लासिफाई होगा सर्टन चेंजेस वर मेड टू एवरेस्ट लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थ्री इसका मतलब हम जो प्रेजेंट कंडीशन में उस कंडीशन में भी नहीं बेच रहे ये एक और रीजन है कि ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्लासिफाई नहीं होना चाहिए देर आर रिजल्टिंग इन एडिशनल एक्टिविटीज बिंग ट्रांसफर टू कंचनजंगा लिमिटेड यानी उसके कुछ एक्टिविटीज क्या हो रही हैं <coughs> तो सॉरी uh, कंचनजंगा में कुछ एक्टिविटीज एवरेस्ट की जा रही है उल्टा है

एंड एवेट द ट्रीटमेंट इन कॉन्टेक्सट ऑफ कंसेपच्चुअल फ्रेमवक फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अब इन्होंने कंसेपचुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेशियल फेम यहाँ पे ऐसी ही बीच में है न जाने क्यों बे वजह इस इसमें ऐड कर दी तो आप इसमें साहब सिंपली क्या बोलोगे भाई कंसेपचुअल फ्रेमवर्क के अनुसार की यहाँ पे डी रिक्शन या डिस्कंटिन ऑपरेशन कब क्लासीफाई होना चाहिए किसी चीज़ का जब आपका कंट्रोल चले गया और यहाँ पे वन जीरो फाइव के प्रिंसिपल भी फॉलो करें और कंट्रोल की बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ है तो उस एंगल से ये क्लासीफिकेशन ही अपने आप में क्या है गलत है This is more so an answer direct directly given from 105 conceptual framework will have a very small reference to the particular answer. you can go through it. This is the way you'll have to kind of study this chapter. We've spent one hour good uh, studying the whole of the chapter of module Mepaga. It's a very lengthy discussion. I've tried to assimilate each and everything in small bullet points. The notes would be very useful and helpful for you. For doing this, strongly recommend that you should do this for your May 22 November 22 exams. Thank you very much, all the best.